been, I mean, jab se start ki and after ki, how has been the journey of Ek Deewana Tha for you as an actor? For as an actor, it's quite challenging because you know, this is something which I've never played before, and playing a negative role at the same time. First of all, playing a lover boy, जिसके अंदर आपको एक तरफा प्यार मिल रहा था. अगर हम स्टोरी देखें भी तो जो डोनल्ड का जो कैरेक्टर था, she was never in love with me. It was only Vyom who was in love with Sharanya. But at the same time, लोगों ने वो केमिस्ट्री एक्सेप्ट की एंड दे रियली लाइक अस एज अ कपल. सो आई थिंक दैट वाज हाफ बैटल वन फॉर मी. एंड क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि जहाँ पर एक बंदा प्यार कर रहा है और एक बंदा प्यार नहीं कर रहा है, उस प्यार को जस्टिफाई करना, उस प्यार को बिलीव करवाना. एंड ऐसा फैंस के मैसेज से लगता है कि शायद आई वाज एबल टू डू दैट. सो आई वाज क्वाइट हैप्पी एंड दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी. एंड देन केम द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट वेयर आई वाज अ कंप्लीट साइको, किलिंग पीपल फॉर माय लव. और उसमें मुझे बहुत सारे हेट मैसेजेस आए, पीपल स्टार्टेड हेटिंग मी. सो अगेन आई थिंक आई वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, बिकॉज लोग तभी नापसंद करते हैं अगर उनको वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है तो. सो आई लाइक दैट ऑल्सो. एंड नाउ अगेन देर आर न्यू चैलेंजेस कमिंग अप इन दिस शो. सो चैलेंजेस वाइज देर लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड एज एन एक्टर आई एम रियली हैप्पी, यू नो, आई एम गेटिंग टू प्ले सो मेनी कैरेक्टर, सो मेनी शेड्स इन अ कैरेक्टर. एंड थैंक्स टू प्रतीक ऑल्सो for giving me such opportunities ki jahan par main sab kuch kar sakun, har type of character play kar sakun. Kya lagta hai, honestly speaking, I don't want people ki wo Janan Dil Se Dur ke character ko bhula paaye, because ya fir wo Vyom Bedi ko kabhi bhula paaye, because I think as an actor mujhe tabhi acha lagta hai agar मेरे कैरेक्टर को हमेशा लोगों ने याद रखा है. अगर मैं उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाया हूँ, अगर मैंने उसमें इतनी शिद्दत से काम किया है, अगर लोगों को याद रहता है, तभी ये समझ में आता है कि मतलब उस कैरेक्टर में मैंने काम किया. एंड इफ पीपल स्टिल रिमेंबर अथर्व, सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी, कि भाई सब लोगों को याद रह रहा है अथर्व. और अगर लोगों को व्योम में भी याद रहता है इसके बाद, तो अगेन आई थिंक आई हैव डन माई जॉब और मैंने अच्छा काम किया. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो यही था, एक बच्ची सेट पे आई थी एंड शी रियली लाइक व्योम ऑन स्क्रीन, बट जैसे ही वो मेरे पास आई तो वो डर गई कि मम्मी ये बहुत खतरनाक है. सो दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट कि मतलब लोग डर रहे हैं व्योम से, एंड एट द सेम टाइम दे लव वॉचिंग व्योम. सो आई थिंक दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट अबाउट द कैरेक्टर. एंड एक अभी रिसेंटली एक आंटी ने और कॉम्प्लीमेंट किया था कि जब तुम व्योम अच्छे वाले व्योम प्ले कर रहे थे तब बहुत सच्चे तुम लगते थे, तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा लगता था, तुम ऐसा लगता था कि बहुत इनोसेंट से हो, बट अभी एकदम तुम गंदे बन गए हो. तो आई थिंक वो बहुत एक अच्छा लगता है जब ऐसा कोई बोलता है. अच्छा, फ्यू क्वेश्चन मेनी, शिवानी इज फाइनली बैक विद जीबी कलर, सो शी इज नॉट अलाउड, यू नो, दैट गिविंग इंटरव्यूज ऑन दैट स्टफ. यू नो, जानन एंड दिस इन फैक्ट तो बहुत खुश थे, जीबी कलर रीयूनाइटेड. व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू केम टू नो दैट शिवानी इज गोइंग टू जॉइन? See, I'm always happy working with Shivani, you know, because we have a great bonding together, and उस साथ काम करने में मजा भी आता है क्योंकि ऑलरेडी 1.5 साल से काम कर चुके हैं, तो पता है कि सीन थोड़े ईजिली निकल जाते हैं. सेम इज द केस विद डोनल्ड नाउ, अब उसके साथ इतने टाइम से काम कर रहे हैं. शिवानी के साथ इतना जरूर पता था मुझे, शिवानी शो में आएगी तो डेफिनेटली जो फैंस जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, दिल भी हैप्पी. एंड अभी मैंने रिसेंटली एक पिक पोस्ट भी करी इंस्टाग्राम में, सो आई गॉट लाइक 700 कमेंट्स इन दैट एंड ओवर 20,000 लाइक्स. सो दैट इन इटसेल्फ शोज दैट हाउ मच पीपल लव अस. जे एन डी एस डी को जैसे ही मैं मिस करने लगता हूँ, जे एन डी एस डी का कोई एक्टर हमारे शो में आ जाता है. सो पहले मैं जे एन डी एस डी को जैसे मिस करने लगा था तो शिल्पा जी शो में आ गई. विनीत जी तो आते ही रहते हैं, इनफैक्ट अभी बगल वाले रूम में ही बैठे हैं. तो सब एक्टर्स का इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि सबके सब आते ही रहते हैं. स्टोरी प्रतीक की थी तो प्रतीक भी मिलता ही रहता है, एंड अभी शिवानी भी आ गई है. तो जो मेन मेन थे वो तो सब आ ही गए जे एन डी एस डी के यहाँ पे. एंड बहुत मजा आता है यार, इनफैक्ट मुझे डोनल के साथ, नमी के साथ बहुत मजा आता है. मतलब उनसे एक तो देहरादून के ही हैं दोनों, ठीक है, तो हमारी थोड़ी सी बोलचाल भी मिलती है. जैसे मैं बात करता हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से बात नहीं करता हूँ. अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो मैं ऐसा थोड़ा फास्ट फास्ट बोलता हूँ, तो ये नमिक भी ऐसे ही है, फास्ट फास्ट बोलता है सब चीजें, तो लगता है कि देहरादून से ही हमारे, हाँ हम भाई जैसे देहरादून जैसे. वैसे ही डोनल के साथ है, वो देहरादून से है लेकिन रही दिल्ली में है, तो काफी ज्यादा बॉन्डिंग हमारा पहले ही बन गया था.
So the last question of this segment is basically, as an actor, and obviously you have done a show, you're doing this show, but as an actor, if you talk about what is something which you have planned, you know, not maybe 5 years down the line, but this is the type of work which you want to do in the future. There is a kuch plan here. There are no such plans actually, and all I want is whenever I pick something or whenever I'm being given an opportunity, it should be something which is challenging, something which I have never done before. I know that is not possible. अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि मुझे ऐसा कुछ करने को मिल जाए जो पहले कभी नहीं किया हो मैंने, तो मेरे शायद मेरा काम 2 साल में खत्म हो जाएगा, उससे मुझे काम नहीं मिलेगा. तो आई डोंट वांट दैट, बट येट अगेन आई वांट कि बहुत ही नॉर्मल ना चले चीज़ें, कुछ ऐसा मोनोटोनस ना हो कैरेक्टर में, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए. देयर इज ऑलवेज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट शुड बी देयर इन द कैरेक्टर, इवन इफ इट्स अ लव स्टोरी, देयर शुड बी सम कैच टू इट, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कैरेक्टर के अंदर. अभी जैसे मैंने कॉमेडी नहीं की है, सो आई एम रियली इंक्लाइंड टू वर्ड्स डूइंग अ कॉमेडी शो मे बी, और समथिंग विच वेर आई कैन यू नो पोर्ट्रे अ कैरेक्टर हु इज कॉमिक, और इस टाइप से कुछ कर सकूं मैं. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लवली विशेज एंड गिफ्ट्स, एंड एज आई सेड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू कम एंड मीट मी यार. नाउ आई रियली वॉन्ट कि कोई ना कोई तो आ जाओ मिलने यार, बहुत टाइम से कोई नहीं है. JNDSD में इतने सारे लोग आ जाते थे, अभी कोई नहीं आता है. लेटर्स भेजते हैं सिर्फ. हाँ शिवानी आएंगे तो अभी आएंगे. चलो थैंक यू सो मच.